So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career as office attendant. Dosto aaj jo hamara intro session hai wo office attendant ka hai for vidhan parishad. Waise humne aapko vidhan sabha ke bahut se videos ऑलमोस्ट हमने आपको ऑफिस अटेंडेंट से रिलेटेड सो मेनी वीडियोस, मैं कहूंगा 90 के करीब वीडियोस हमारे चैनल पे आपको दे रखे हैं। इसके अलावा आपको दोनों चैनल्स पर पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। होप आप हमारे 2000 से भी ज्यादा वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं। सो वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल मुक्ता। थैंक्स। और मुक्ता, ये एक मॉक सेशन है और इसमें पार्टिसिपेट रश्मि भी करेंगे, एंड रश्मि इज फ्रॉम बिहार छपरा, और ये भी पार्टिसिपेट इस इंटरव्यू में करेंगे। ओके सर। सो सिंस बिहार विधान परिषद की बहुत सी जॉब्स निकलती है और हमारे पास बिहार की मेंबर भी है, yes. तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कुछ विधान परिषद के बारे में, ताकि yes. मुझे मालूम चले। पर ये एक ऑफिस अटेंडेंट का इंटरव्यू है, तो क्या बता सकते हैं कि एक ऑफिस अटेंडेंट का कार्य क्या होता है? यस सर, बताइए। सर, एक ऑफिस अटेंडेंट का कार्य होता है कि उसे हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की अच्छी से नॉलेज हो, एंड अपने ऑफिस में डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए, इंग्लिश व कंप्यूटर में टाइपिंग आनी चाहिए, आए हुए ईमेल का हैंड टू हैंड रिप्लाई देना चाहिए, एंड जितनी भी व्यवस्था है उसे बना के रखना चाहिए, फाइल्स को मैनेज करना आना चाहिए, उसमें क्या क्या वर्क है उसे हैंडल करे, एंड उसे पंक्चुअल भी होना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। और फोन कॉल्स भी आए तो उनको हैंडल करना, और जिस तरीके से आपने बोला ईमेल्स का रिप्लाई देना, यस सर, ये बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि वर्तमान में कितने विधान परिषद हैं? यस सर, वर्तमान में सर 6 विधान परिषद हैं। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आंध्र प्रदेश, yes. बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। ओके। आपको लगता है जम्मू कश्मीर विधान परिषद है? सर अनुच्छेद 360 के जो बात था उससे पहले वो था सर, yes, विधान yes, जम्मू परिषद। और उसके बाद विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? सर विधान परिषद में कुल 403 सदस्य होते हैं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने हैं? विधान परिषद में कितने? 100 है, तो टोटल 403 में। यस। ओके। अच्छा, अब आप मुझे विधानसभा और विधान परिषद में डिफरेंस बताइए। यस सर। सर मंत्री परिषद होते हैं जो विधानमंडल के रूप में विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं। यस सर। सर जो विधानसभा होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। okay. और जो विधानसभा होते हैं वो नहीं ले सकते, विधान परिषद नहीं ले सकते, सॉरी। और एक और इलेक्शन है जिसमें विधानसभा ले सकते हैं, राज्यसभा सर, राज्यसभा के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब आप मुझे बताइए कि बिहार विधान परिषद की संख्या कितनी है? सर 27 होती है और 6 निर्वाचक होते हैं और 6 स्नातक निर्वाचन होते हैं। चलिए, ये आपने अच्छे बताए अपनी तरफ से। अब मैं जानना चाहूंगा रश्मि से भी। रश्मि, बिहार में क्या फेमस क्या, आप तो बिहार से हो तो फेमस क्या है बिहार में, क्या स्पेशल चीज है? बिहार की मधुबनी, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ओके। एंड बिहार का, बिहार में मुजफ्फरपुर जो कि पूरे देश में लीची के शहर के नाम से मशहूर है। ओके मैम। एंड और आप छपरा से हो तो छपरा किसी नाम किसी चीज से जाना जाता है? जी, सबसे पहली हमारे यहाँ जो ट्रेन की चक्के की फैक्ट्री थी, कारखाना थी, वो छपरा में ही है। ओके, वेरी गुड। आप मुझे बताइए विधानसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्या चाहिए? सर विधानसभा के मेंबर बनने के लिए भी उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। okay. उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। okay. और वो मानसिक रूप से दिवालिया नहीं होना चाहिए। okay. और जिस क्षेत्र का सर वो चुनाव लड़ रहा है उसकी जो मतदाता सूची है उसमें उसका नाम होना भी कंपलसरी है। यस सर। एंड और राज्यपाल बनने के लिए? सर राज्यपाल बनने के लिए उसे, राज्यपाल घोषित होने के लिए उस व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं और नयापन क्या आ रहा है उनमें? सर विधान परिषद के जो निर्वाचक है जो वो 6 ही है सर। एंड okay. उसके बाद सर जो राजस्थान में है, जो असम और ओडिशा है, जो वो भारत में विधानसभा के जो बाद है वो उनके स्वयं को विधान परिषद बनाने की मंजूरी दी गई है। अच्छा, आप मुझे आप बताइए कि राजस्थान में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? सर इसमें 200 है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 31 मार्च 1952 में हुई थी। अच्छा, बता सकते हैं कि वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल है? यस सर 7 राज्यों में है और 2 विधायिका है। ओके। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि विधानसभा होता क्या है?
सर विधानसभा और एक विधानिक सभा होते हैं जिसमें कि उसे निचला बाग या सोल हाउस भी कहा जाता है। यस सर, और 500 से अधिक और 60 से सर कम सदस्य भी नहीं हो सकते। अच्छा, आपने जिस तरीके से मेंबर्स बताया, आप मुझे आप ये बताइए कि एक ऑफिस अटेंडेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो आप में कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स है जो एक ऑफिस अटेंडेंट बनने के लिए बेस्ट है? सर उसे पंक्चुअल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए एंड डिसिप्लिन में रहना चाहिए। यस सर। अब मुझे बताइए आपके नगर परिषद का कार्य क्या होता है? सर एक नगर परिषद का कार्य होता है कि उसे साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए और जो भी उसके राज्य में हो रहा है उसको अपने अंडर में रखना चाहिए। यस सर। अच्छा, जितने भी हमने आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए आपने लगभग अच्छे बताइए, तो अब आप हमें ये बताइए कि आपकी खुद की हॉबीज क्या है? श्योर सर, सर मेरी हॉबीज है बुक्स पढ़ना एंड लोगों से मिलकर उनके वर्क को हैंडल करना, उनकी हेल्प करना। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताइए कि कई बार आप अच्छे से जानते हैं कि वर्क प्रेशर बहुत मिलता है और उस समय आपके ऊपर कई बार ज्यादा काम आ जाए तो आप प्रेशर हैंडल कर लेंगे? यस सर, मेरे लिए इजीली है क्योंकि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा सर, क्योंकि मेरे को कोई वर्क देगा तो मैं डिले नहीं करूंगी क्योंकि सर वर्कलोड होगा तो प्रेशर बनेगा, तो यस सर, तो मैं अपना वर्क टाइम पे कंप्लीट करूंगी तो वर्कलोड भी नहीं होगा, उससे प्रेशर भी नहीं बनेगा। ओके, अच्छा मान लीजिए आपके सीनियर हैं, आपके उनसे नहीं बन रही। यस सर। तो आप क्या करेंगे? सर मेरे सीनियर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगी, उनके दिए हुए वर्क को अच्छे से कंप्लीट करूंगी और मैं कोशिश यही करूंगी कि मैं उनसे बना के रखूं, क्योंकि वो सर मेरे सीनियर है, वो मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, मैं मतलब फील नहीं करूंगी सर। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि आप जॉब के लिए आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मालूम होगा कि इस जॉब के लिए आपको ऑफिस में भी वर्क हो सकता है और कभी मार्केट वर्क भी मिल सकता है। यस तो आप हैंडल कर लेंगे या सिर्फ आप ऑफिस में ही तक ही सीमित रहेंगे? यस सर, मैं हैंडल कर लूंगी क्योंकि वर्क तो सर वर्क ही होता है, वो चाहे मार्केट में हो या ऑफिस में हो। क्योंकि सर मैं एक्चुअली पंक्चुअल हूँ तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि वो मार्केट वर्क है या ऑफिस वर्क है। ओके, अब मुझे ये बताइए कि आप जॉब के लिए आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां पर आपकी पोस्टिंग आती है, तो आप मैनेज कैसे करोगे बाहर रहना, किस तरीके से मैनेज करोगे? सर मैं इजीली हैंडल कर लूंगी क्योंकि मेरे लिए इक्वल है सभी जगह, क्योंकि मैं मतलब बाहर भी अच्छे से रही हुई हूँ, मैंने अप डाउन भी किया हुआ है एंड मेरी फैमिली सपोर्टेड है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं इजीली हैंडल कर सकती हूँ। ओके, सो मैडम आप कुछ पूछना चाहोगे इनसे? आप अपनी वीकनेस बताइए जो आपके काम में बाधा डाल सकती है। श्योर मैम। सर मैम मेरी वीकनेस है कि मैं अपनी जो इंग्लिश है वो उसे हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना चाहती हूँ और सर मैं बातें भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। ओके, तो ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस हमें लगी, क्योंकि ऑफिस अटेंडेंट के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास कोई आए और आप उनसे बातें लग जाएं। हाँ जी, ऐसा इसी तो नहीं में होगा? नो, मैं अपना वर्क इजीली कंप्लीट करूंगी क्योंकि उस टाइम तो सर मैं बातें नहीं करूंगी जो आएगा। आप जानते हैं कि एक ऑफिस के अंदर हर तरीके के कार्य होते हैं, छोटे बड़े, तो आपने वर्क को और अपने टाइम को मैनेज कैसे करती हो, किस तरीके से डिवाइड कैसे करके रखती हो? सर मैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रख दी हूँ। सर प्लस ए एंड बी। एंड सर प्लस ए होता है वो मेरा ऑफिस वर्क होता है, उसमें मैं अपने प्रोफेशनल वर्क करती हूँ। वेरी गुड। एंड जो ए होता है जो मेरे फैमिली रिलेटेड होता है, जो मेरे को इम्पोर्टेंट वर्क हो सर मैं वो करती हूँ। एंड बी होता है सर सोशल एंड नेटवर्किंग वर्क, जो कि मैं ना भी करूँ तो भी चलेगा सर। ओके, मींस आप हमेशा आपके ए प्लस वर्क को ही प्रेफरेंस देती हो। यस सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैडम, कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे इनसे? हाँ, आप इस जॉब में जा रही हैं, अभी आपकी मैरिज नहीं हुई है, मैरिज हो जाने के बाद आपके ससुराल वाले बोले कि ये जॉब छोड़ देने, फिर आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगी? एक्चुअली मैम मैं इजीली हैंडल कर लूँ क्योंकि जो वुमेन की है वो डिमांड ज़्यादा है और मेरी फैमिली है जो वो अच्छे मतलब मेरी जॉब के अकॉर्डिंग ही मेरे हस्बैंड को देखेंगे, फैमिली इन लोग को देखेंगे। ओके, यू मीन टू से कि एक वर्किंग वुमेन की तो डिमांड रहती है? यस सर, काफ़ी ज़्यादा है। ओके, ये तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया, वुमेन एम्पावरमेंट का दौर है। यस सर। यस सर। और मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, रश्मि ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल APS आर्मी स्कूल टीचर। यस। तो कहीं ना कहीं वुमेन्स इस रेस में है, बहुत ज्यादा आगे चल रही है, ये बहुत अच्छा साइन है। अच्छा ये बताइए कि आपने बोला कि आपके अंदर बहुत सी क्वालिटीज है, सब कुछ है, मगर आप जानते हैं कि इस वर्क के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रेफरेंस रहती है किसी बॉय को रखने की। हाँ, क्योंकि देखिए बॉयज है उसको हम कभी भी किसी भी समय तक काफी देर तक रोक सकते हैं, कभी
मान लीजिए लेट आवर्स हमें वर्क करवाना है, लेट इवनिंग वर्क करवाना है, तो हम लेट इवनिंग तक भी उसे रोक सकते हैं। आपको नहीं लगता कि इस जॉब के लिए बॉय ज़्यादा प्रेफर्ड रहेंगे? सर बॉय गर्ल इक्वल होता है, क्योंकि मैं तो मेरा मानना है कि सर मेरे लिए टाइम कोई भी उसकी पाबंद नहीं है। जो भी मेरे को टाइम पे बुलाएंगे ऑफिस में सर, मेरे सीनियर्स हैं जो, तो मैं उसी टाइम जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए सर जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा ये बताइए फिर कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस जॉब से? श्योर सर, सर मेरे लिए सैलरी मायने नहीं है, मेरे लिए वर्क इम्पॉर्टेंट है। okay. क्योंकि सर अगर मेरा वर्क अच्छा होगा तो सैलरी तो सर आप ही अपने अकॉर्डिंग दे देंगे। ओके वैसे तो आपकी सैलरी ऑलरेडी निर्धारित होती है विधान परिषद में, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और बहुत हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी। बस आपको अपने वर्क को बहुत अच्छा करना है। शुरू में हो सकता है आप प्रोबेशनरी पीरियड में रहें, फिर धीरे 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 जिस तरीके से आपकी परमानेंट बनती है फिर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से अपने काम पर ध्यान दीजिए। ओके और आप चाहेंगे कि आप इस जॉब से भी आगे बढ़े, नाम कमाएं, इजंट इट? तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? सर मेरी प्लानिंग है कि मैं इस जॉब के लिए काफ़ी मेहनत करूं। जब मैं पहले मेहनत करूंगी सर, आगे मैं हो सकता है कि नेक्स्ट पोस्ट पे भी अच्छे से। चलिए आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर आपकी तरह वेट कर रहे हैं इस जॉब का, तो इस जॉब में हमें बहुत से लोगों को नेगलेक्ट करके किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करना है, तो हम आपको क्यों लें, उन्हें क्यों ना लें? सर मेरे लिए वो मायने नहीं है, मैं उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकती जो बाहर खड़े हैं, क्योंकि वो मेरे से बेटर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बट सर मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगी कि सर मैं एक हार्डवर्क गर्ल हूँ एंड पंक्चुअल भी हूँ, तो सर मैं इजीली हैंडल कर लूँगी और मैं सर अच्छे से ट्राई करूँगी कि मेरा जो वर्कलोड है वो अच्छे से हो। अब मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे? सर मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छा दूंगी और सर आगे भी मैं ट्राई करूंगी। मीन्स आप ट्राई करने में थकेंगे नहीं? No, आप बार बार ट्राई में लगे रहेंगे, तो कभी ना कभी आप इंटरव्यूज में जरूर सक्सेस पा लेंगे। बहुत अच्छा, आपने वैसे भी इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया है, राइट? हाँ, और आपको क्या लगता है, आप तो बिहार नरिश हो, आप तो बिहार में हो, तो क्या लगता है कि आप बिहार में मेंबर जाने के लायक है आपके? जी बिल्कुल। और क्या ये विधान परिषद में मेंबर बनने के लायक है, वहाँ पर जॉब करने के लायक है? यस सर। वेरी गुड, तो मुझे लगता है कि इस सेशन को देखकर बिहार की मैडम ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं आपके बारे में, और इनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि ये सब पहलू देखते हुए हमें लगता है कि आपका सिलेक्शन हमें करना चाहिए। ओके और sir. जो भी आपने पॉइंट्स वगैरह रखे हैं वो बहुत अच्छे रखे हैं। आप जानते हैं कभी कभी इस तरीके के लोग आ जाते हैं जो आपके रिलेटिव्स होंगे और ऑफिस में आ जाएंगे और अननेसेसरली आपसे डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे, तो इस तरीके के लोग अगर ज्यादा आते हैं तो हमारा कामकाज खराब होता है। तो आपको ऐसा तो नहीं है कहीं आपके रिलेटिव्स बहुत ज्यादा आपसे मिलने के लिए आएंगे? नो सर, मेरे रिलेटिव्स आए या अदर पर्सन कोई भी आए, मैं अपने वर्क पे ही ध्यान दूंगी, जो वर्क के लिए आए हैं मैं उन्हीं को पूछूंगी, बट अदर कोई भी मैटर नहीं। और यदि हमने कभी संडे में स्पेशल कुछ आपके लिए कुछ स्पेशल 2 आवर्स का वर्क निर्धारित कर दिया, तो क्या ऐसा तो नहीं कहेंगे आपके सर छुट्टी का दिन है मैं नहीं आ सकती, या ऐसा तो कुछ नहीं होगा? नो सर, मेरे लिए वर्क इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सीनियर्स की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मेरे लिए वो कोई मायने नहीं है। वेरी गुड, तो मुझे लगता है मैडम दिस इज राइट पार्ट फॉर हर टू गिव हर ब्लेसिंग्स। ओके कीप इट अप, शाबाश, बहुत बढ़िया, थैंक यू, शाबाश।